किसी भी रिलेशनशिप को होप नोपनों से हील कैसे करें, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पल्लवी बत्रा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। इस चैनल पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं देन सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक करना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, चाहे वो पार्टनर के साथ है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ है, है ना, कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारा बॉस के साथ है, उसमें अल्टीमेटली हमें एक ही इमोशन चाहिए, दैट इज़ लव, मतलब कि प्यार। अगर हम बॉस के साथ किसी रिलेशन में है, रिलेशन मींस अगर हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, इट मींस हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो उस रिलेशनशिप में हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ प्यार से बात करें, हमें प्यार से ऑर्डर दें या काम दें। पेरेंट्स के साथ भी हमारा प्यार का इमोशन है और हमारे पार्टनर के साथ भी हमारा प्यार का इमोशन है, फ्रेंड्स के साथ भी। तो अल्टीमेटली प्यार ही चाहिए हमें अपने हर रिलेशनशिप से। बट सबसे पहली चीज़ आपको ये अपने आप से पूछनी है कि क्या आप वो प्यार खुद को देते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद को प्यार नहीं करते और हम उस प्यार के लिए इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि हमें वो पर्सन प्यार करे, हमें पेरेंट्स प्यार करे, हमें हमारी फैमिली प्यार करे, और फिर खुद को हम प्यार नहीं करते। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे हम हैं हम वैसा ही अट्रैक्शन करेंगे। अगर हम खुद को नफ़रत करते हैं तो हम ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो हमसे नफ़रत करेंगे। आप इसको रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ में, रिलेट करके देखो कि आपके आसपास ऐसे लोग ही आपको मिलते जाएंगे हर जगह पे, जो आपको नफ़रत करेंगे या आपसे लड़ाई चलती रहेगी जिनकी, जो आपसे खुश नहीं होंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बहुत साल पहले मेरा किसी से भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता था क्योंकि मैं खुद को बहुत हेट करती थी। बट जब से मैंने खुद को प्यार करना शुरू किया, मैंने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू किया कि चाहे कोई मेरी लाइफ में आता है, चाहे कोई मेरे साथ रहता है नहीं रहता है, पर मैं खुद को पूरी तरह से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई कंपनी, ये एफर्मेशन आपको दोहरानी होगी दैट आई लव माई सेल्फ, आई लव माई कंपनी, मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो सामने वाला अगर आपकी लाइफ में आएगा तो वो भी अकेला ही महसूस करेगा। आप कंप्लीट नहीं महसूस कर सकते, पहले आपको अपने आप में कंप्लीट महसूस करना है कि मैं अकेली ही बहुत हूँ। तो पहले नंबर पे तो आपको ये एफर्मेशन अपने आप को दिन में बहुत बार देनी है कि आई लव माई सेल्फ, किसी भी चीज़ के बिना, प्यार के बिना भी मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं हर तरह से खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ। दूसरी चीज़, अगर किसी के साथ आपका रिलेशन ख़राब चल रहा है तो उसके लिए आप होप नो नो कर सकते हो। कैसे करोगे? अपनी आंखें बंद करके राइट हैंड अपने हार्ट पे रख के आप उसकी चैंटिंग करोगे। पहले उस पर्सन का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेके आएंगे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जो भी इमोशंस आपको फील हो रहे हैं उसके प्रति, वरी, टेंशन, गुस्सा या इरिटेशन, इस ब्रीदिंग के साथ उनको रिलीज़ कर देंगे। और अब चैंटिंग करेंगे, आई एम सॉरी, उस पर्सन का नाम लेंगे लाउडली, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। अब उसके साथ बातचीत करेंगे जैसे कि वो फिज़िकली पर्सन आपके सामने है। आई एम सॉरी ये सारी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, ये लड़ाई, ये हेट्रेड क्रिएट करने के लिए, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये जो भी सिचुएशन हमारे बीच में है उसे हम दोनों ने ही अट्रैक्ट किया है, पर मैं अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। Please forgive me for attracting this situation, this anger, this hatred, this fight. I thank you, and I love you. I really love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Now take a deep breath in and relax.
इस चैंटिंग को 108 बार करो, और जब तक आपके अंदर से वो नेगेटिव इमोशंस नहीं चले जाते, आपको ये चैंटिंग करते रहना है, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, कुछ ही दिनों में मिलने शुरू हो जाएंगे, बट आप 30 डेज तक कंटिन्यू करो उसको, ताकि जो भी नेगेटिविटी रिलेशन में है वो ख़त्म हो जाए। तो ये चैंटिंग जो है सभी पे अप्लाई होती है, आप मम्मी पापा फैमिली में किसी पे भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स के लिए कर सकते हैं, बॉस के लिए कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी अप्लाई करोगे रिजल्ट्स आएंगे। होपोनोपोनो अपने आप में बहुत पावरफुल प्रेयर है, इसको यूज़ करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना रिजल्ट आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर मेरा कोई भी फ्री सेशन अटेंड करना चाहते हो, लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन करके उस ग्रुप में जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं उनको फॉलो करके वो वेबिनार्स अटेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।